मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे बीच में हमारी पार्टी की मुखिया बहन मालती जी द्वारा आशीर्वाद लेकर के दो प्रत्याशी आपके बीच में भेजे गए हैं, डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा जी, जिनको कि बाराबंकी से आपके इस ऐसी धरती जहाँ देवा और महादेवा दोनों हैं वहाँ से इनको प्रत्याशी के रूप में भेजा है आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और कुर्सी से मीता गौतम जी हैं, ये हम लोगों के साथ बहुत वर्षों जुड़ी हैं, पूर्व MLA भी रही हैं और बहुत ही जुझारू नेता हैं, जहाँ पर सभी के लिए उठ के खड़े होकर के और काम करने में कभी भी हिचकती नहीं है, वो भी हमारे बीच में हैं। मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री विजय कुमार जी हैं, मुख्य सेक्टर प्रभारी अजय गौतम जी, जिला अध्यक्ष अनिल गौतम जी, जिला कोषाध्यक्ष शाहिद अली मंसूरी जी, अरविंद यादव जी, मुरीद अंसारी जी, पीपी गौतम जी, प्रमोद गौतम जी, संजय मिश्रा, आसिफ खान जी, मोहम्मद अरमान जी, सुरेश चंद्र गौतम जी, विक्रम गौतम जी, डॉक्टर समर सिंह जी, मुनेश्वर वर्मा जी, राजेंद्र गौतम जी, महेंद्र मिश्रा जी और हमारे MLC और इस पूरे मंडल को देखने वाले हमारे बीच में मौजूद बहुजन समाज पार्टी के विधान परिषद में नेता श्री दिनेश चंद्रा जी, जो बहुत ही मेहनत से पूरे मंडल में और एक मंडल में नहीं, इनके पास कई कई मंडल हैं जो कि लगे हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाते हुए बहन मालती जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों, आज 24 तारीख हो गई, 23 तारीख हो गई, आज चौथा चरण का चुनाव चल रहा है और मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब बहुजन समाज पार्टी के समर्थक यहां बैठे हैं, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी बैठी हुई और मीडिया के साथी भी हैं, कि उत्तर प्रदेश में जो 3 चरण हुए हैं उसमें एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट पड़ा और आज भी जो वोट पड़ रहा है, हम लोग भी आज सुबह पहले वोट डाल करके ही आपके बीच में आए, आज बहन मालती जी ने भी अपना वोट डालने का काम किया है लखनऊ में और उसके बाद हम लोग चल करके आपके बीच में आए। आज भी जो अभी तक की खबर है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, जहां जहां से भी हम लोगों ने पता लगाने की कोशिश की, लाइन लगा करके हाथी के निशान को और उसके बटन दबाने का काम हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम चल रहा है। आज 23 तारीख, 27 तारीख और 23 तारीख के बीच में सिर्फ 3 दिन का समय है। ये 3 दिन का एक ऐसा समय है जिसको कि आपको अपने लिए इस्तेमाल करना है। आप और बहुत सब काम करते रहते हैं, लोगों के काम करते हैं, दिनचर्या करते हैं, अपने घर चलाने का काम करते हैं, लेकिन ये ऐसा वक्त है जो सही माने में आप अपने लिए करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए करेंगे और अपने भविष्य के लिए भी करेंगे। और वो ये है कि आप इन 3 दिनों को अपने, जब एक बार ये सोचना शुरू कर देंगे कि 3 दिन बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 3 दिन देने से आपको 5 साल नहीं, 20 साल तक आपको अपना सुंदर भविष्य दिखेगा, तो आप स्वयं इन 3 दिनों को अपने लिए देने का काम करेंगे। और ये मान करके चलिए, कहने के लिए हमारे लिए मीता गौतम जी और हमारे डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा जी ये प्रत्याशी हैं, लेकिन सही माने में हमारी निगाह में और हमारी पार्टी की निगाह में तो आप सभी लोग जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, आप लोग हमारे प्रत्याशी हैं। और आप प्रत्याशी हैं ये तो खाली आपकी बात को रखने का काम करेंगे, आपकी बात जो होगी उसको पहुंचाने का काम करेंगे विधानसभा में, लेकिन सही माने में तो आप ही लोग हैं जो हमारे प्रत्याशी। और जब एक बार आप अपने को प्रत्याशी मान लेंगे तो आप स्वयं सोचने लगेंगे और इनसे हमारे डॉक्टर साहब से भी कहेंगे और मीता से कहेंगे, आप लोग अपने अपना जहां जा सकते हैं जाने काम करिए, हम भी समझते हैं
कि इन तीन दिनों में आप घर घर जा नहीं जा सकते, घर घर नहीं जा सकते, लोगों के पास सबके पास नहीं पहुंच सकते, सब मोहल्लों में नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप चिंता मत करिए, अब हमने अपने आप को प्रत्याशी मान लिया है और हम लोग आपस में तय करके और एक एक घर जाएंगे, एक एक मोहल्ले जाएंगे, एक एक जगह जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और मिल करके बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे और आपको वोट दिलवाने का काम करके हम आपको जितवाएंगे। लेकिन सही मायने में तो आप बताइएगा इनसे कि आप खुद जीतने का काम कर रहे हैं, आप स्वयं अपनी जीत हासिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का क्या हाल, कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश का, ये किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से जो सरकार आप देख रहे हैं, ऐसी सरकार देख रहे हैं जहां चारों तरफ विध्वंस हो रहा है, विनाश हो रहा है। विकास की नाम करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास नहीं, विनाश हो रहा है। अगर आप विकास कर रहे होते तो कहीं तो दिखता, किसी कोने में तो विकास मिलता। लेकिन आप पूरा प्रदेश घुमाइए, अपने आप में देवा शरीफ भी देख लिया, अपने इस देवा महादेवा तक जाकर के देख लीजिए, इस पूरे बाराबंकी को देख लीजिए, क्या हाल इन्होंने बना दिया है, किस क्या तरक्की देने काम किया। सिर्फ आते हैं जब विज्ञापन छापते हैं, करोड़ों रुपए उसमें खर्च करते हैं विज्ञापन छापने में, पोस्टर लगाने में, बैनर लगाने में, टेलीविजन में दिखाने के लिए, और उसके बाद उसमें खाली ये दिखाते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनके सारे कार्य जमीन पर नहीं है, सिर्फ कागजों पर होते हैं, विज्ञापनों में होते हैं, उसके अलावा कहीं कागज नहीं होते। और कितना रुपया खर्च करते हैं विज्ञापन में, 1-2 रुपया नहीं, पहले 300 करोड़ रुपए महीने का बजट था, उसको बढ़ा करके 500 करोड़ रुपया कर दिया। 300 करोड़ का भी हिसाब अगर आप लगा लें 5 साल का, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपया तो इन्होंने सिर्फ अपनी तस्वीर छपवाने के लिए और अपने विज्ञापनों में लगा दिया। अगर यही रुपया इन्होंने 20,000 करोड़ रुपया लोगों के बीच में लगाया होता, गरीबों के बीच में लगाया होता, स्कूलों में लगाया होता, तो स्कूल में जो बच्चे खराब खाना खा करके, जो दोपहर में उनको खाना दिया जाता छोटे छोटे बच्चों को, सैकड़ों की संख्या में जगह जगह बीमार होते नजर आते हैं, वो शायद नहीं होते। जो कोरोना के दौरान लाखों लाख लोग सड़कों में घूमते रहे, ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर की कमी, दवाई की कमी, और उसकी वजह से 1-2 लाखों लोगों की मौत हो गई, तो वो शायद नहीं होती अगर ये रुपया इन्होंने वहां लगा दिया होता, तो हम लोगों को वो दृश्य नहीं देखना पड़ता कि महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोदी में रख करके और 20 मील नहीं, 100 मील पैदल चल चल करके अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो दृश्य भी देखा कि सूटकेस में छोटे बच्चे को लिटा करके और उसको भी ले जाते हुए घसीटते हुए वो भी देखा। इतनी मौतें हो गई कि दफनाने की जगह नहीं मिली, जलाने की जगह नहीं मिली, जलाने की लकड़ी कम हो गई, लकड़ी नहीं मिली, लोगों को गंगा नदी में बहाने का काम लोगों ने किया, और इतना ही नहीं गंगा किनारे बालू में दबाने का काम किया, जहाँ जानवरों ने नोच खसोट करने का काम किया, वो भी हम लोगों ने गंदे गंदे दृश्य, भयावह दृश्य देखे, वो इस सरकार में देखने को मिले। अपने ऊपर रुपया खर्च कर रहे थे, अभी पिछले 3-4 महीने में आपने देखा जितने कार्यक्रम हुए वो सब सरकारी कार्यक्रम, सब सरकारी कार्यक्रमों में पैसा किसका लग रहा था, आपका लग रहा था, हम लोगों का लग रहा था, टैक्स का पैसा लग रहा था जो मिलता है उनको, और उसमें सरकारी कार्यक्रम में करते क्या थे, खाली आके पत्थर लगाना और लगा करके कहना कि हमको वोट दे दो और अगले 5 साल में हम ये काम करके दिखा देंगे। 5 साल में अगर काम करके दिखाना था, पत्थर लगाने थे, तो पत्थर पहले क्यों नहीं लगाए, पहले न लगा करके और अब लगा करके लोगों से झूठ बोल करके फिर से झूठा वादा करके, जैसे सैकड़ों वादे झूठे किए, फिर से वोट मांगने की इनकी योजना चल रही है। और उस सरकारी कार्यक्रमों में सरकारी काम छोड़ करके अपने वोट मांगने का काम कर रहे थे। हिसाब देना चाहिए कि अगर आप सरकार का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वोट क्यों मांग रहे थे, लेकिन वोट मांगने का काम आपके खर्चे से कर रहे थे। बसें लगा दीजिए, अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा, तस्वीरें देखी होंगी, सरकारी बसें सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके बुलाई जाती थी, लोगों को बुलाया जाता था भीड़ इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इनके नेता आते थे, बड़े नेता आते थे, और पैसा बसों में किसका लग रहा था, सरकार का लग रहा था। यही बसें अगर दे दी होती कोरोना के दौरान,
अगर यही टेंट लगा करके लोगों को भोजन दे दिया होता सड़क के किनारे तो शायद इतनी मौतें नहीं होती और वो हम लोगों के बीच में आज यहाँ पर मौजूद होते। आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने सबके साथ में छलावा किया, पूरे छलावा के अलावा कुछ नहीं किया। महिलाओं से क्या कहा, हम तुम्हें सुरक्षा दे देंगे। कौन सी सुरक्षा दी महिलाओं को? महिलाओं से कहा तुम्हारी रसोई का खर्च कम कर देंगे। क्या किया इन्होंने? हर दो घंटे में, ये हम नहीं कहते हैं, ये इनकी खुद की रिपोर्ट है, NCRB सरकारी रिपोर्ट होती है, वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में हर दो घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार होता है और दुराचार। ऐसी सुरक्षा मांगी जी इनसे? याद करिए बहन मायावती जी का जमाना। बहन मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को, किसी घर की बेटी को बाहर निकलना पड़ जाता था किसी काम से, वो सोचती भी नहीं थी और घर से बाहर निकल जाती थी, क्योंकि उसको ये मालूम था कि किसी की मजाल नहीं है कि हमारी तरफ गलत निगाह उठा के देख ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती थी। आपने देखा कि रसोई की दाम कम करने की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर का क्या हुआ? जो 200 रुपए का सिलेंडर था आज उसके दाम बढ़ा करके 1200 रुपए के पार कर दिए, और जो पेट्रोल और डीजल था जो 60 रुपए और 65 रुपए में मिलता था उसको 100 के पार कर दिया। तो हर चीज के दाम अपने आप बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, चौतरफा बढ़ गई, अनाज के दाम बढ़ गए, सब्जी भाजी के दाम बढ़ गए, हर चीज के बढ़ गए, और नतीजा ये हुआ कि जो 50 रुपए में रसोई चलती थी अब वो 500 रुपए में भी नहीं चलती है। इस तरह से महिलाओं को, वो जो कह रहे थे कि हम आपको फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, सिर्फ धोखा देने का काम। इसी तरह से बेरोजगार नौजवानों से क्या कहा था, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, और उसके बाद दिया गया लाठी डंडे। जब उन्होंने मांगा कि कहां है वो नौकरी, तो उनसे कहते हैं नौकरी दे कहां सकते तुम, तो तुमको समझ लेना चाहिए था। ये तो जुमला है, उसी तरह का जुमला है जैसे 15 लाख रुपए देने का जुमला किया था और उसके बाद 15 लाख किसके खाते में पहुंचे, इसी तरह से ये समझ लेना चाहिए था। नौकरी तो हम तब देंगे जब हम नौकरी की कोई जगह छोड़ेंगे। आज नौकरी कहां मिलती है? नौकरी जहां जहां मिलती है सरकारी संस्थानों में, उन संस्थानों में उनको इन्होंने बेचने का काम कर दिया। उन्होंने अपने निजी हाथों में इनको बेच दिया, अपने चुनिंदा जो इनके 2-3 उद्योगपति हैं उनके हाथ में सारे देश की संपत्ति बेच दी, आपके प्रदेश की भी बेचने का काम किया। चाहे रेलवे हो, चाहे ऑयल कंपनियां हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, और अब तो बैंकों को भी बेच दिया। पहले उसमें घोटाला किया और घोटाला करके 1000 करोड़ रुपया पहले लुटवा करके और उन्हीं घोटालेबाजों के हाथों में उनको बेचने का काम कर रहे हैं, और घोटालेबाजों से कहा कि तुम लोग विदेश में जाके बैठ जाओ, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है, और वो लोग यहाँ से रुपया लेकर के बाहर निकल गए। और बैंकों को भी उनको बेच रहे हैं, जितने भी संस्थान उत्तर प्रदेश में जहाँ नौकरी लाखों की संख्या में मिलती थी, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो, ब्रिज कॉरपोरेशन हो, PWD हो, और चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, इस तरह के जितने भी स्थान हैं जहां पर लोग नौकरी पाते थे, उनको इन्होंने नौकरी के खत्म करके व्यथा को, व्यवस्था को, और नौकरी की जगह इनको ठेकेदारों को दे दिया। ठेकेदारों के हाथ में अब काम दे दिया। ठेकेदार जब उसके हाथ में आ गया तो वो नौकरी कहाँ देगा? वो तो अपने हिसाब से अपने आदमी रखेगा, जिनको आज रखेगा कल निकाल के बाहर कर देगा। तो आज उत्तर प्रदेश में जब नौजवान बाहर खड़े हुए, उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा तो उनसे क्या कहा इन्होंने, लाठी डंडे मारने के बाद क्या कहा? कहा कि हम तुमको सलाह दे सकते हैं। और क्या सलाह दे सकते हैं? तुम पढ़े लिखे नौजवान युवक हो, तुम जाओ और जा करके पकौड़ा बेचने का काम करो, पोछा लगाने का काम करो, ठेला लगाने का काम करो। तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम लोग ज्यादा अच्छा पकौड़ा बनाओगे और ज्यादा अच्छी चाट बना के खिलाने का काम करोगे, तुम लोग अपना रोजगार इस तरह से करने का काम करोगे। इस तरह से धोखा देने का काम पढ़े लिखे लोगों को, इन्होंने किसको धोखा नहीं दिया? किसानों से क्या कहा कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। कहां 2 गुना आमदनी कर दी? गन्ना किसान जो है, आपको मालूम है कि इन्होंने आमदनी तो छोड़िए, 4-4 खाद्य कानून उनके ऊपर लादने का काम किया। ऐसे 4 कानून जिसके तहत में किसान को मजबूरन अपनी जमीन पट्टे में देनी पड़े, और पट्टे में किसको? उन्हीं उद्योगपतियों को, उन्हीं इनके चहेतों को जो इनको लाखों करोड़ रुपया चंदा देते हैं और कहते हैं कि चुनाव लड़ो,
उनको देने के लिए इन्होंने चार कानून बनाए। बहुजन समाज पार्टी ने, हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हर जगह उसका विरोध किया, लेकिन और किसानों ने विरोध किया क्योंकि इनके कानून को समझ गए थे कि ये जमीन एक बार हमारे हाथ से गई तो इस पूरे जीवन भर में नहीं मिलने वाली, हम कोर्ट कचहरी करते करते थक जाएंगे लेकिन ये जमीन हमको वापस नहीं मिलेगी। 700 से ज्यादा किसान मर गए 15 महीने के आंदोलन में, इनको असर नहीं हुआ, इन्होंने आंदोलन को दबाने की कोशिश की और इस हद तक नीचे गिर गए कि अपने मंत्री और मंत्री के लड़के के माध्यम से लखीमपुर में आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से अपनी गाड़ी से कुचल करके किसानों को मारने का घृण काम किया और दबा करके मार दिया। आज वो व्यक्ति अभी भी मंत्री बने हुए हैं, उनका लड़का आज 4 महीने भी नहीं हुए, 3रा महीना पूरा हुआ है, उनको बेल मिल जाती है और बेल निकल के फिर बाहर आ गए हैं और कहते हैं कि चुनाव खत्म हो जाने दो, हम तो कानून भी लाएंगे वापस और सबक भी सिखाएंगे, अभी से धमकी देने लगे हैं। तो ये वो सरकार है, इन्होंने अभी जब चुनाव की घोषणा हो गई, होने वाली थी, उसके 15 दिन पहले 25 रुपए बढ़ाने का काम किया गन्ने का दाम 25 रुपए, 5 साल तक नहीं बढ़ाया, आखिरी में 25 रुपए वो भी अभी नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे मालूम नहीं, लेकिन 25 रुपए बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी वालों ने 35 बढ़ाया था, इन्होंने 25 बढ़ाया, लेकिन बहन मायावती जी ने 125 रुपए क्विंटल का दाम तब था उसको बढ़ा करके 250 रुपए क्विंटल करने का काम बहन मायावती जी ने किया था और 2 गुना आमदनी बढ़ाने का काम किया था। यही फर्क है इनमें और बहन मायावती जी ने, इन्होंने सबको छला, बहन मायावती जी ने सबको दिया, गरीबों को खास तौर से दिया, जिनके पास कुछ नहीं था उनको भी दिया, जिनके पास जमीन नहीं थी इन्होंने तो जमीन छीनने की योजना बनाई, बहन मायावती जी ने तो 3-3 एकड़ के पट्टे काट करके और 5-5 एकड़ के पट्टे काट करके सरकारी जमीनें जो थी उनको, जो लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, भूमिहीन लोग थे, उनको देने का काम किया था, उनको उसका मालिक बनाने का काम किया था। उन्होंने जो लोग झोपड़ी में रहते थे, जिनके पास अपने खुद के मकान नहीं थे, उनको झोपड़ी से बाहर निकाल करके और उन्होंने उनको 2-2 कमरे के पक्के मकान देने के काम किए थे, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में दिया था, 20 लाख से ज्यादा मकान उन्होंने मुफ्त में देने का काम किया था, 80 लाख जो मकान बन रहे थे उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने आकर के रोकने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनको नहीं बनने दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया क्योंकि वो कहते हैं कि हम मुफ्त के मकान नहीं देंगे, हम तो गरीबों की झोपड़ी में जब चुनाव आएगा तो चले जाएंगे उनको समझाने के लिए और जाते हैं। आपने देखा तस्वीरें आती हैं, चाहे समाजवादी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जैसे ही चुनाव आता है ये गरीबों के यहाँ जाते हैं, दलितों के यहाँ जाते हैं, फोटो ही खिंचवाते हैं, मीडिया को साथ में ले जाते हैं, कहते हैं देखो उनकी झोपड़ी में बैठ के वो खाना खा रहे हैं, ये नहीं बताते हैं कि जो खाना खा रहे हैं वो खाना ये 5 सितारा होटल से बनवा करके ले जाते हैं और ले जाकर के वहां पर रखने का काम करते हैं पहले से और फिर वहां खाना खाते हैं। बहन मायावती जी झोपड़ी में नहीं जाती हैं, लेकिन झोपड़ी वालों को निकाल करके, झोपड़ी से बाहर निकाल करके और 2 कमरे के पक्के मकान देने का काम करती हैं। यही फर्क है इंडिया और बहन मायावती जी। बहन मायावती जी ने खाली भाईचारे का नारा नहीं दिया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा नहीं दिया था, उन्होंने अमली जामा भी पहनाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने चारों तरफ विकास करने का काम किया था, जहां कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया था वहां चारों तरफ विकास भी करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं 75 जिले, लेकिन ये भी जानते हैं कि इन 75 जिलों में से एक तिहाई जिले 23 जिले उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से ये बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया, ये नए जिले बना करके समग्र विकास करने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम किया उत्तर प्रदेश में। 29,500 डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम जो है उनका समग्र विकास किया, सीसी रोड बनाते हुए समग्र विकास करने का काम किया, 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाए,
उन 5000 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल बनाए, हजारों की संख्या में उन्होंने महिलाओं लड़कियों के लिए औरों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाने का काम किया, 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बना करके उत्तर प्रदेश को देने का काम किया, 6,500 मेगावाट की बिजली जहां बनती थी उसको बढ़ा करके अंधेरे से उजाला ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश को 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। मैं गाथा में लगा था, उन्होंने पूरे विश्व में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो पूरे विश्व में नहीं है, लखनऊ में, जहां अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई, उसके साथ साथ में उन्होंने विकलांगजनों के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जो हमारी पूजनीय माता जी हैं उनके नाम से बनाई। मुझे बहुत खुशी हुई आज कि हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर साहब अपनी माता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके नाम से कर रहे हैं, और ये हमारे उनके बीच में ऐसा तालमेल है जो एक सा है। हम भी अपनी माता जी के नाम से लोगों विकलांगजनों के लिए पिछले 35 वर्षों से काम कर रहे थे, पूरे प्रदेश में करते थे और देश में भी कर रहे थे, उनको आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे थे, ऐसे लोग जिनके बारे में कोई पूछता नहीं था उनके लिए कर रहे थे, उनके लिए स्कूल कॉलेज करवाए। लेकिन बहन मायावती जी ने जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई जहाँ 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, विकलांगजन पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के भी विदेश से भी आकर के पढ़ रहे हैं और लखनऊ में वो यूनिवर्सिटी चल रही है। आपको बहन मायावती जी कानून द्वारा कानून का राज ऐसे ही नहीं चलाती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती है आपको मालूम है 2003 से 2007 तक थी कैसा राज चल रहा था, 2012 से 17 में आए फिर से वही राज्य शुरू हो गया। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है गुंडागर्दी माफिया गर्दी दहशत गर्दी डकैती फिरौती लूटमार बलात्कार दंगे फसाद इसकी एक पूरी लाइन लग जाती, मालूम पड़ जाता है बच्चे बच्चे को कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई उसको। लेकिन बहन मायावती जी की जब सरकार थी कानून द्वारा कानून का राज चला था, इनकी तरह नहीं समाजवादियों की तरह नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि ये तो हमारे अपने हैं इन्होंने जुर्म किया इनको छोड़ दो तो बाकी दूसरे हैं उनके लिए क्या कहते हैं अगर जुर्म नहीं भी किया है तो उनको रोको और ठोक दो क्योंकि हमसे राजनीतिक इनका द्वेष है इसलिए उनको मार दो। बहन मायावती जी ने